वेलकम स्टूडेंट, हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। वेस्ट बंगाल काउंसिल हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 12 जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, पहला चैप्टर रिमेंबरिंग द पास्ट, उस चैप्टर में से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उन तमाम सवालों को हल करेंगे और ये इम्पोर्टेंस भी है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, द मीनिंग ऑफ माइथोस इज, माइथोस का माना क्या है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, वर्ड ऑफ माउथ, स्टडी, सर्वेरियस, सीट ऑफ द न्यूसिस। तो चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन होगा ए, वर्ड ऑफ माउथ, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइथ इज ए, माइथ है एक, हिस्ट्री, फोल्क टेल, लिटरेचर, सोशल साइंस। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए होगा ऑप्शन सी होगा लिटरेचर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइथ्स कंसर्न द फिल इन द ब्लैंक पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, एंशिएंट, मिडिल, मॉडर्न, रिमोट। तो चार ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन डी होगा रिमोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरियन रोमिला थापड़ कंसाइडर माइथ एज सेम व्हाट ए। चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो प्रोटो हिस्टोरी, फोल्क टेल, लिटरेचर, सोशल साइंस। तो ऑप्शन ए होगा प्रोटो हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कोलम ए विथ कोलम बी, कोलम ए में माइथोस, मिमोर, लेजेंड, म्यूजियम, कोलम बी में स्टडी, सीट ऑफ द मॉल्स, वर्ड ऑफ माउथ, एनोटेशन। तो कोलम ए और बी को मैच करना है, तो इसका ऑप्शन है, तो माइथोस क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ होगा, एक वाला ऑप्शन सी में मिलेगा। मिमोर, लेजेंड, म्यूजियम, तो मिमोर जो है ऑप्शन डी में एनोटेशन होगा। और लेजेंड, अल्टरनेटिव करके दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसे मैच कर सकते हैं। मैच करने के बाद ऑप्शन ये देखिएगा, तो ऑप्शन जवाब होगा बी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण एंड महाभारत आर, रामायण और महाभारत है, दोनों है, हिस्ट्री है या लेजेंड है या फोल्क टेल है या माइथोलॉजी है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल माइथ इज रिटन बाय, ये किसने लिखा है। पैरेलल माइथ इज रिटन बाय एक बुक है, वो चार ऑप्शन दिया हुआ है, डेविड लिमिंग्स, जे बर्लिन, लॉरेंस हाथब, विलियम केरी। तो ऑप्शन बी होगा, जे एफ बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण मित्रा मजुमदार ठाकुर ना झोली इज। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, एक पहला ऑप्शन है फोक टेल, मेमोरी, माइथ, लेजेंड। तो चार ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोक टेल इज रिटन बाय, किसका लिखा हुआ है ये। चार ऑप्शन, डेविड लेमिंग्स, स्टीव थॉम्सन,
लेवरेंस साउथ ऑफ विलियम कैरी, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास माला इज कंप्लीटेड बाय, इतिहास माला इज कंप्लीटेड बाय चार ऑप्शन दिया हुआ है, जे बी ब्रोन, डी एम मजुमदार, विलियम कैरी, एन सन्याल। तो चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी होगा, विलियम कैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली बाबा 40 चोर इज ए फोकटेल, माइथोलॉजी, मीमोर, लेजेंड। तो ऑप्शन होगा फोकटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणा रंजन बासु चारे आशाग्राम इज ए, तो दिया हुआ है चार ऑप्शन, मीमोयर, लीजेंड, फोकटेल, मैथोलॉजी। तो ऑप्शन होगा ए, मीमोयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशालता सरकार आमी सूर्यान सीसी इज ए लेजेंड या माइथ या फोकटेल या मीमोर। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रूट ईखा तारे डायरी, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी होगा, सोफिया कमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है, इतिहास माला पैरेलल माइथ पंचतंत्र द हिस्टोरी ऑफ माइथ एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, तो कॉलम ए और कॉलम बी से मिलाना है, अल्टरनेटिव इसी तरह एग्जाम पे दिया रहेगा, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी होगा, जो इसका मैच करेगा, एक का डी, दो का सी, तीन का ए और चार का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बुक ऑफ ओरल ट्रेडिशन इज, तो चार ऑप्शन दिया है, ओरल ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री, रियल हिस्ट्री, व्यू ऑफ, नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल हिस्ट्री सोसाइटी वाज सेट अप इन इंग्लैंड इन, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 1966 एडी, 1973 एडी, 2013 एडी, 2014 एडी, तो ऑप्शन होगा बी, 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान वाज रिटन बाय, ये किसने लिखा था, विंसेंट स्मिथ, भी स्मिथ, विंसेंट, अलेक्जेंडर ड्यू, जेम्स टोड, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी होगा, अलेक्जेंडर ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक नेम खाली जगह वाज रिटन बाय जेम्स मिल इज, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, कॉलोनियल ऑब्जर्वर, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो चार ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन होगा सी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय, तो चार ऑप्शन दिया है, भी सुमित, माउंट स्टुअर्ट, अलेक्जेंडर ड्यू, जेम्स टोड, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, माउंट स्टुअर्ट, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज राज तिरंगेनी, 2016 के एचएस के एग्जाम में ये सवाल आया था, तो चार ऑप्शन है, कोटलिया, कल्हाना, बिल्हाना, कालिदास, तो ऑप्शन बी होगा, कल्हाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्टोरीज इज रिटन बाय, चार ऑप्शन दिया हुआ है, कोटो द एल्डर, हेरोडोटस, थ्यूसिडिस, कार्ल मार्क्स, तो ऑप्शन बी होगा, हेरोडोटस, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री किनको कहा जाता है, तो चार ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन ए होगा, हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्यूसिडिस वाज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ चाइनीज हिस्ट्री, फादर ऑफ साइंटिस्ट इज, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, तो चार ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ चाइना हिस्ट्री, फादर ऑफ चाइना किनको कहा जाता है, तो चार ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन होगा सीमा क्वेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है, द हिस्टोरिया द ओरिजिन दास कैपिटल इंडिया टुडे, तो कॉलम ए और कॉलम बी से मिलाना है,
तो इसका ऑप्शन अल्टरनेटिव दिया रहेगा तो मैच करना होगा एग्ज़ाम में। तो इस तरह से अल्टरनेटिव दिया रहेगा तो इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी होगा, एक का सी, दो का डी, तीन का बी और चार का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्पोररी हिस्ट्री, हु सेड दिस, किसने कहा था। चार ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑथर ऑफ द नेचर, द ऑथर ऑफ द नेचर ऑफ हिस्ट्री वाज, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, द नेचर ऑफ हिस्ट्री किसका लिखा हुआ है, तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थर मॉरविक। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज हिस्ट्री हिज रिटन बाय, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन होगा बी, ई एच कॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑथर ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज, ये 2015 का क्वेश्चन है, ये 2000 HS के एग्जाम में आया हुआ था, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन डी होगा,